हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा उदाहरण संख्या 7.8। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक अनंत लंबाई के तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, चित्र में दर्शाए अनुसार मोड़ा गया है। यदि केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। देखो कैसे मोड़ा गया है, ये आपके पास दिया गया है इस प्रकार से। ये केंद्र है और इस थीटा का मान पूछा है आपसे। इसका मान बेटा थीटा, धारा ऐसे प्रवाहित कर रखी है। ये आपके पास बिंदु ए, ये है बी सी डी और ये पी बता रखा है, और धारा का मान कितना बेटा आई, और ये क्या है बेटा इसकी त्रिज्या। परफेक्ट इतनी सी बात। अब ध्यान दीजिए कि कैसे ज्ञात करना है आप लोगों को। ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो धारा है वो इतने से हिस्से में, यहां वही, इसमें प्रवाहित हुई और फिर ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी केंद्र पर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र वो कितना है, जीरो। तो प्रश्न ने हमें एक इंफॉर्मेशन दी है केवल कि सेंटर पे, केंद्र पे जो कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान लेना है वो कितना लेना है, जीरो। ठीक, वो बाद में लेंगे। सबसे पहले ये सोचो कि इस केंद्र पे कुल कितने चुंबकीय क्षेत्र होंगे। तो ये आपको एक सीधा तार दिखाई दे रहा है, और ये कैसा तार है बेटा, अर्ध अनंत लंबाई का तार है। कौन सा? अर्ध अनंत लंबाई। तो हम क्या बोलेंगे, अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तार का नाम क्या है बेटा, ए से बी, ए बी, और चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको पता है कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई। कितनी दूरी पे आपके पास ये, r दूरी पे। ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं बायो सावर्ट के प्रथम अनुप्रयोग के अंदर, कि अगर आधा अनंत लंबाई का तार हो और उससे r दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। बात क्लियर। साथ ही इस सीधे तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बता दो। तो देखो ये सीधा चालक तार है, धारा इससे बह रही है, यहां पर मेरी उंगलियां कैसे पहुंचेगी, बाहर की ओर। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये किससे बनके बना बेटा, ये एक वृत्त। अब ये पूरा अर्धवृत्त भी नहीं है कि हम आधा कर लें, तो हम ऐसा करते हैं ये टोटल कोण निकाल लेते हैं कितना है, आंतरिक कोण। कुल कोण कितना होता है, 360। 360 को क्या लिखते हैं बेटा, 2 पाई। 2 पाई में से ये थीटा है तो बताओ बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ होगा 2 पाई माइनस थीटा। अरे टोटल होता है 2 पाई, 2 पाई में से ये कितना है थीटा, तो बचा हुआ क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा। और बायो सावर्ट का द्वितीय अनुप्रयोग हमने निकाला था कि किसी भी थीटा कोण के लिए, किसी भी थीटा कोण के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान किससे निकालते हैं, तो हम बोलेंगे 2 पाई माइनस थीटा के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो तार का नाम क्या बेटा, बी सी डी। इसका मान होगा म्यू नॉट आई। थीटा कितना बन रहा आपके पास, सर थीटा है आपके पास 2 पाई माइनस थीटा बट आपके पास क्या होगा, ये 4 आर। कितना, 4 आर आपके पास। ये हो गया आपके पास मान। ऐसे ही फिर ये आकृति किससे मिलकर बनी है बेटा, ये फिर से एक अर्ध अनंत लंबाई का चालक तार है, तो फिर से क्या लिखेंगे बेटा, अर्ध अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वो कितना होगा, तार का नाम बोलो डी से पी, तो बी डी पी म्यू नॉट आई बट्टे में 4 पाई, दूरी कितनी बेटा आर। साथ
आपको दिशा भी बतानी है, तो इसके कारण दिशा, अंगूठा धारा की दिशा में, तो उंगलियां किधर निकलेगी, बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, लंबवत बाहर की ओर। अब ये जो 2π - θ वाला वृत्त है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, तो मुड़ी हुई उंगलियां, देखो उंगलियां धारा की दिशा में मुड़नी चाहिए, ये ऐसे मुड़ी, तो अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर की ओर, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये किधर है बेटा, लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। अब यहां पे कुल कितने चुंबकीय क्षेत्र हैं, दो दिशा के चुंबकीय क्षेत्र हैं, कुछ तो लंबवत बाहर की ओर है और कुछ लंबवत अंदर की ओर है, तो ऐसा करो इनकी दिशा के अनुसार इनके साइन बता दो, जो लंबवत बाहर की ओर है उसको पॉजिटिव मान लो, और जो लंबवत अंदर की ओर हो उसको क्या मान लो बेटा, नेगेटिव। ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कंसिडर कर सकते हो। अगर मान लीजिए मुझे कुल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो केंद्र पे कुल कितने हैं, तीन, एक तो इस अर्ध अनंत लंबाई के चालक तार, दूसरा इस वृत्त के कारण, और तीसरा इस वाले तार के कारण, तीनों चुंबकीय क्षेत्र को उनके साइन के साथ जोड़ देंगे तो कुल प्राप्त हो जाएगा। तो पहला कौन है बेटा, BAB, जिसको हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, इसका मान कितना है, μ0I/4πr। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, BCD, जिसको क्या लेना है बेटा, नेगेटिव, क्योंकि ये लंबवत अंदर की ओर है, तो μ0I 2π - θ/4r। और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र कौन है बेटा, BDP, जिसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये लंबवत बाहर की ओर है, तो ये हो जाएगा μ0I/4πr। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो पर्सन खुद कह रहा है कि केंद्र पे जो आएगा उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना लेना है, जीरो, और हमारे अकॉर्डिंग केंद्र पे इतना है, तो इसका कुल मान कितना लिख दो, जीरो, बराबर, ये तो जीरो दे रखा है पर्सन ने खुद ने। अब यहां कुछ कॉमन आ रहा है क्या, μ0I/4πr, μ0I/4r और μ0I/4πr, इसमें बेटा 4π आता है, फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया, 4π, तो ये μ0I/4πr तीनों में क्या है, कॉमन है, तो μ0I/4πr कॉमन ले लो, यहां कितना बचेगा, एक माइनस, यहां क्या बचा, 2π - θ, 2π - θ, और यहां क्या बचा बेटा, प्लस एक। अब ये चीज गुणा में है, इधर जाके जीरो के बट्टे में जाएगी, तो जीरो के बट्टे में कुछ भी जाए सब जीरो हो जाएगा, मतलब ये इधर गया, ये क्या हो गया, जीरो। अब एक और एक कितना, दो, माइनस साइन को अंदर गुणा करो, माइनस के 2π, माइनस माइनस, प्लस के थीटा, मुझे थीटा का मान चाहिए, तो इन दोनों चीजों को बराबर के उधर भेज दो, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 2π उधर गया, प्लस का 2π, ये दो उधर गया, माइनस के दो। अब ध्यान दीजिए दोनों में कॉमन है, तो थीटा का मान हो जाएगा 2π - 1, और ये जो आपने थीटा का मान निकाला, ये किसमें निकाला बेटा, रेडियन में, इसका आंसर ध्यान रखना, बस यहां पे ध्यान रखना, इसमें नीचे क्या आता है, 4π r भी आपके पास प्राप्त हो।